इंसानों ने जब से होश संभाला है उन्हें हमेशा से यह डर खा जाता है कि अगर धरती ख़त्म हो गई तो क्या मानवता ख़त्म हो जाएगी। इसी खतरे को देखते हुए अब मंगल तक यान दौड़ाए जा रहे हैं और दूसरे ग्रह पर इंसानों की बस्तियों को बसाने की संभावना को तलाशा जा रहा है। मानव जीवन को बचाए रखने के लिए अब वैज्ञानिकों की नज़र हमारे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर है। इसी वजह से चंद्रमा पर वैज्ञानिक इंसानों के स्पर्म और अंडों को भेजने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा इंसानों के रहने के लिए स्थायी रूप से आदर्श जगह नहीं है, लेकिन हमारे अनमोल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्टोरेज यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक जीन बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस जीन बैंक में इंसानों के साथ साथ धरती पर पाए जाने वाले 76 लाख जीवों के प्रजनन से संबंधित कोशिकाओं, स्पर्म और अंडों के नमूनों को संभाल कर रखा जा सकेगा। चंद्रमा पर बनाए जाने वाले इस जीन बैंक को एक आधुनिक फ्यूचर इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इंजीनियर टीम ने इस बैंक को बनाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों स्पर्म और अंडों को चंद्रमा पर भेजकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा। थागा ने कहा है कि चंद्रमा पर इंसानी जीन बैंक बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वैदिक आपदा की सूरत में हम इस बैंक के जरिए धरती पर पाए जाने वाले जीवों को बचा सकते हैं। 75,000 साल पहले इंडोनेशिया का माउंट तोवा फटा था और इसके बाद हजारों सालों का समय लगा था सबको शांत होने में। बता दें कि अंटार्कटिका में ग्लोबल शील्ड वॉल बनाया गया है। यहाँ पर 992,000 नमूनों को संभाल कर रखा गया है, जिसमें से प्रत्येक नमूने के 500 बीज हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।